अच्छा सा स्विमिंग पूल का एरिया मिलता है, यहाँ सिटिंग एरियाज मिलता है कि कोई यहाँ स्विमिंग कर रहा है आप वेट करना चाहें। शालीमार बिल्डर्स का है तो आप लोगों को पता ही है, आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई और मतलब कितनी, आप ये बीच में देख सकते हैं ये फाउंटेन है जो कि स्पेशली नाइट के टाइम पे चलता है। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं डेली ग्रॉसरी की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी बिल्डिंग के नीचे। इनफैक्ट आप इनको कॉल करिए और आपके घर पे आ जाएगा। मैंने देख लिया यहाँ पे आपको हर बैंक से, इनफैक्ट SBI बैंक से लोन हो जाएगा। SBI अप्रूव्ड है, RERA रजिस्टर्ड है, तो और सारी फैसिलिटीज़ हैं जो भी आपको एक अच्छी सोसाइटी में चाहिए होती हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूं शिल्पी और आज मैं आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे फ्लैट्स दिखाने वाली हूं लखनऊ में, शालीमार मन्नत। आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि शालीमार बिल्डर्स एक बहुत ही जाने माने और जहां तक मुझे पता है काफ़ी अच्छे ट्रस्टेड बिल्डर हैं लखनऊ के, क्या पूरे UP के। तो जो भी इन्होंने आज तक प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड किए हैं लोगों को बहुत पसंद आते हैं और इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो चलिए इनके कैसे फ्लैट्स हैं, क्या न्यू आया है और क्या कुछ है यहाँ पे, इम्यूनिटीज़ कैसे दिखते हैं, सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, फ्लैट का टूर भी कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो शालीमार मन्नत के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं आज संदीप पाठक जी, जो कि मुझे यहाँ का पूरा टूर कराएंगे और यहाँ के बारे में बताएंगे कि क्या एरिया है, कैसे यहाँ के फ्लैट्स बनते हैं, कहाँ कहाँ से लोन अप्रूव है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम फैजाबाद रोड पे खड़े हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं फैजाबाद रोड है, मेन हाईवे फैजाबाद, जो आपका अयोध्या जिगली से निकल जाता है। और अगर हम शालीमार मन्नत की बात करें तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, RERA रजिस्टर्ड है और SBI से भी अप्रूव्ड है। SBI और सारे ही नेशनल बैंक से अप्रूव्ड है। और इसमें जो है हमारे पास फेज़ 1 है जो पूरा डिलीवर्ड है, और इसमें जो क्लब हाउस है वो भी फंक्शनल है। अब हम फेज़ 2 पे वर्क कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 3 लेआउट हैं, 2 BHK, 3 BHK, 2 BHK स्टडी। तो चलिए आपको अंदर थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे फ्लैट्स बनते हैं। सैम्पल फ्लैट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे फ्लैट मिलने वाले हैं। आइए मेरे साथ। तो आप जब भी इस रूट से निकले होंगे आपने ये वाला बोर्ड तो ज़रूर देखा होगा, शालीमार मन्नत। तो ये अभी मैं यही आपको घर दिखाने वाली हूँ, इस तरफ के फ्लैट्स दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बता दूँ आपको एंट्री पे ही 2 गेट मिलेंगे, एक एंट्री के लिए है और एक एग्ज़िट के लिए है। तो चलिए हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे आपसे ये भैया मिल जाएंगे जो पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है, कौन से विंग में जाना है। आपको यहाँ पे नंबर वगैरह नोट करके देन आपको फिर एंट्री मिलेगी। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, मतलब काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। नीचे आप वॉक के लिए भी आ सकते हैं और वॉक के लिए अलग से भी जगह बनी हुई है। तो चलिए आपको सैंपल फ्लैट दिखाते हैं जो 1390 स्क्वायर फिट का है। तो आइए, ये पूरा आपको एरिया मिलता है और ये बड़ा सा यहाँ पे हॉल मिलता है आपको। इंडिविजुअली मैं किसी का एरिया नहीं बता रही हूँ, आपको घर दिखा दे रही हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। और आप जब फ़ोन करेंगे तो आप पूछ सकते हैं कि क्या एरिया है। तो ये देखिए बड़ा सा यहाँ पे हॉल मिल जाता है। ये हॉल इस तरीके से सेट किया गया है कि आप यहाँ पे अपना सोफ़ा वगैरह लगा लीजिए, यहाँ TV लगा लीजिए, सामने बड़ी सी विंडो, बहुत बड़ी सी विंडो मिलती है, स्लाइडिंग विंडो ये देखिए, और यहाँ पर बालकनी मिलती है, बाहर बालकनी है। यहाँ से तो इस तरीके का व्यू है, लेकिन व्यू हर जगह से, मतलब हर फ्लैट से, हर विंग जो होती है फ्लैट्स की उससे चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप इस एरिया को 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, इतना आप हॉल बना सकते हैं, यहाँ पे अपना डाइनिंग स्पेस, मोस्टली लोग इसे डाइनिंग स्पेस ही बनाते हैं, और यहाँ पे एक बेडरूम मिलता है, गेस्ट रूम है, आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, गेस्ट रहे हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको यहाँ पे इतना बड़ा बेडरूम मिलता है। यहाँ पे फिर से आपको स्लाइडिंग विंडो मिलती है, तो अगर आप इस विंडो को खोल के बैठेंगे तो आराम से अच्छी हवा आ रही है अभी तो बाहर से। और अटैच आपको टॉयलेट मिलता है, अटैच यहाँ पर आपको टॉयलेट मिलता है। फिर ये हॉल है, हॉल का एरिया मैंने आपको दिखा दिया, और इस तरफ अब आते हैं तो यहाँ पे पड़ जाएगी किचन,
देखिए इस तरीके की आपको किचन दी जाएगी। उसके बाद आप इसे यहाँ किचन के पास भी आपको विंडो मिल जाती है, तो यहाँ से भी हवा आती रहेगी, वेंटिलेशन रहेगा। और किचन में आप कोई चेंजेस कराना चाहें तो वो करवा सकते हैं अपने हिसाब से। और स्विचेस यहाँ पे पावर स्विचेस आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। फ्रिज के लिए यहाँ अलग से स्पेस मिल जाएगी। यहाँ एक कॉमन टॉयलेट मिलता है। एंड यहाँ की सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि आपको यहाँ पे एक बालकनी मिल जाती है, एक स्पेस मिल जाता है जहाँ आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। होता है ना कि बाथरूम के कपड़े धुले हुए हमें बाहर नहीं ले जाने, तो यहाँ वॉशिंग मशीन के लिए भी आपको स्पेस दिया गया है। स्विच दी गई है प्रॉपर, आप यहाँ वॉशिंग मशीन लगाइए, कपड़े धोइए और यहीं सुखा लीजिए। देखिए लोगों के सूख भी रहे हैं जो रह रहे हैं यहाँ पे। और उसी के सामने आपको ये बेडरूम मिल जाता है। तो ये है एक बेडरूम, बेडरूम देख सकते हैं हम, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर है। और कबर्ड के लिए आपको यहाँ पे ये जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको स्लाइडिंग इस तरीके की विंडो मिलती है। देखिए यहाँ से मेन रोड दिख रहा है, बट ये डिपेंड करता है आपने किस तरफ का फ्लैट खरीदा है। और यहाँ पे आपको डबल छत मिलती है, ये देखिए, जहाँ पे आप अपना सामान या भी कुछ भी ऐसा सामान जिसे आप हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। हाँ, तो ये है मास्टर बेडरूम, ये हमारा लास्ट बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है। और इसके साथ भी देखिए विंडो आपको हर तरफ, आपने पूरे घर में देखा कोई लाइट नहीं जल रही है, कुछ भी नहीं, बट लाइटिंग पूरी प्रॉपर है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हर तरफ आपको विंडो मिल जाती है और हर रूम में अच्छे से लाइट आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इतना स्पेस मिल जाता है उठिए बालकनी का। कबर्ड के लिए यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ आप अपनी कबर्ड रख सकते हैं। और यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आपको पूरा स्टोरेज का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अपनी कबर्ड यहाँ भी लगा सकते हैं। चाहिए ना रूम बिल्कुल खुला खुला सा हो बेडरूम, तो आप अपनी कबर्ड्स को यहाँ रख सकते हैं, डेली यूज़ करने के कपड़े रख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे भी टॉयलेट मिलती है, एक वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी जो मैंने आपको फ्लैट का टूर करवाया, ये 1230 स्क्वायर फीट का है और फ्लैट आपको फेस टू में मिलने वाला है भाई, वो इससे बड़ा है, वो 1390 स्क्वायर फीट का है। तो उसका आप सोच सकते हैं डिज़ाइन सेम रहेगी बट रूम्स वगैरह बड़े होंगे। तो चलिए और यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी इम्यूनिटीज़, लाइक कितनी अच्छी सोसाइटी है। शालीमार बिल्डर्स का है तो आप लोगों को पता ही है, आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई और मतलब कितनी, आप ये बीच में देख सकते हैं ये फाउंटेन है जो कि स्पेशली नाइट के टाइम पे चलता है। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं डेली ग्रॉसरी की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी बिल्डिंग के नीचे। इनफैक्ट आप इनको कॉल करिए और आपके घर पे आ जाएगा डिलीवरी। आप चाहें तो बाहर भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बट आपको सोसाइटी के अंदर ही सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। सामने ग्रीन स्पेस मिल जाएगा, पार्क मिल जाएगा, वॉकिंग के लिए सारी जगह है यहाँ पे, मतलब आपको जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं यहाँ का आपको बैंक्वेट हॉल दिखाती हूँ जो कि काफ़ी स्पेशियस है। आइए अंदर से दिखाते हैं। आइए, तो ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 1000 लोग तो आई जाएंगे मुझे लगता है। कितने लोगों का स्पेस होगा? हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 500-600 लोग यहाँ पे आराम से पार्टी कर सकते हैं। कुछ फंक्शन है तो आप इसको बुक कर सकते हैं, थोड़े लोग हैं तो आप इसको हाफ में भी कर सकते हैं, मतलब जितना आपको चाहिए हो। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे आपको क्लब मिल जाएगा, कोई फैमिली गैदरिंग वगैरह के लिए चाहे तो ये पूरा लॉन्ज एरिया आपको मिल जाता है। किटी पार्टी है या छोटी मोटी, थोड़े से लोगों में, कोई 20-25 लोगों में पार्टी है तो आप इस एरिया में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गेम्स के लिए हैं, गेम्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो आप खेलना चाहें तो आ सकते हैं। काफ़ी सारे रेजिडेंशियल लोगों के लिए है ना, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्हीं के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। जो भी इनके कुछ होगा मेंबरशिप वगैरह जो चार्जेस होंगे वो अलग से होंगे, मेंटेनेंस में ही इंक्लूडेड है। और ये है किड्स प्ले एरिया जहाँ पे आपके छोटे से बच्चे आके खेल सकते हैं।
उनके लिए भी छोटे मोटे झूले लगा दिए गए हैं, बाकी पार्क में तो आपको मिल ही जाएंगे। इंडोर जैसे कि गर्मी बहुत होती है तो गर्मी के टाइम पे यहाँ के अंदर खेल सकते हैं, अदरवाइज आउटडोर तो आपको मिलेंगे ही। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है छत पे, लेकिन स्विमिंग पूल आपको स्विमिंग करना है तो वॉशरूम की ज़रूरत है, या वैसे भी आप कोई यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो वॉशरूम, टॉयलेट है, लॉकर है जहाँ पे आपको कोई सामान वगैरह अपना लॉक करके रखना है सेफ्टी के लिए, तो आप उसको भी रख सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंट्स सेपरेट है ना? हाँ, तो आपको दो टॉयलेट मिलते हैं लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए। और ये है स्विमिंग पूल का एरिया, अच्छा सा स्विमिंग पूल का एरिया मिलता है यहाँ, सिटिंग एरियाज मिलता है कि कोई यहाँ स्विमिंग कर रहा है आप वेट करना चाहें, बाद में बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पीना चाहें तो वो उसके लिए भी यहाँ पे जगह है। और आप देख सकते हैं यहाँ से व्यूज़ कितना अच्छा है। रेस्टोरेंट तो नीचे ही है, किसी को कुछ ऑर्डर करना हो, मंगाना हो तो वो भी मंगा सकते हैं। और ये स्विमिंग पूल में आप देखिए इस तरीके से शेड लगा दिए गए हैं ताकि जो भी यहाँ टॉप फ्लोर्स पे लोग रहते हैं उन वो मतलब यहाँ ना देख सके, तो एक प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, साथ में मुझे लगता है थोड़ी छाया भी रहेगी दिन के टाइम में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में हमारे जो डीलर अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं ये 3 BHK हैं, 4 टावर हमारे हैं जो 80% सोल्ड आउट हैं। 2 टावर आप जो देख रहे हैं ये 2 BHK स्टडी हैं, उसके बगल में 2 BHK हैं, और जो हमारा फ्यूचर में प्लान है इधर 4 टावर आएंगे जिसमें 3 BHK 3 टावर होंगे, 2 BHK स्टडी 1 टावर होगा, जिसके लिए अभी हम आगे काम करेंगे। 2023 में ये आपको डिलीवर्ड हो जाएंगे और वो मार्च 2024 में। चलिए तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, और आपको एक्स्ट्रा कुछ जानना है तो ये जो कॉन्टेक्ट नंबर इसमें दिया गया है आप उस पर कॉल कीजिए, बात कीजिए, जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी लीजिए। लोन का क्या है? लोन आपका यहाँ सारे ही नेशनल बैंक से अप्रूव्ड है, जिसमें से SBI से भी अप्रूव्ड है हमारा, और ये रेरा रजिस्टर्ड है, और जिसमें आप SBI से आराम से इजीली लोन करवा सकते हैं 90-80% लोन, 80-90% आपको लोन हो जाएगा। रेरा रजिस्टर्ड, ये पूरे प्लॉट्स यहाँ पे रेरा रजिस्टर्ड हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी पे, शालीमार की प्रॉपर्टी पे तो आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। तो और जिस जो टाइम बोला जाता है आपको उसी टाइम में डिलीवर्ड हो जाते हैं मकान, और बुकिंग अमाउंट 10% देके, जो भी कॉस्ट है उसका 10% देके आप बुक कर सकते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन आपको बुक करते रहना पड़ेगा, वो सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे आपको हर बैंक से, इनफेक्ट SBI बैंक से लोन हो जाएगा, SBI अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, तो और सारी फैसिलिटीज़ हैं जो भी आपको एक अच्छी सोसाइटी में चाहिए होती है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सब सोच रहे होंगे भाई प्राइस तो बताओ, प्राइस क्या है? तो पाठक जी यहाँ का प्राइस क्या है बता दीजिए। देखिए जैसा कि प्राइस रिवाइज होते रहते हैं, अच्छा। और हमारे जो अभी लॉन्च होंगे 15 जुलाई से 4 टावर और, तो रेट यही है कि आज क्या है कल क्या है और कब किसकी कॉलिंग आती है तो उस पर डिपेंड करता है, तो इसके लिए आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट पर आप संपर्क कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए, रेट आपको बता दिया जाएगा जो भी डिटेल होंगी इसकी। तो भाई सिंपली शिल्पी व्यूवर्स के लिए थोड़ा डिस्काउंट ज़रूर करिएगा। और डिस्काउंट कर दिया जाएगा, बट रेट बताने पे क्या होता है ना कि अगर किसी ने 6 महीने बाद भी वीडियो देखा तो वो कहता है नहीं मुझे उसी रेट पे चाहिए और डिस्काउंट भी चाहिए, तो इसीलिए आप फ़ोन कर लीजिए और जो भी अभी का रेट चल रहा है बिलीव कीजिए आपको उसमें डिस्काउंटेड रेट ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं आपसे लिया जाएगा। तो आप आइए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, विज़िट करके ज़रूर देखिए, बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है, आपको एक नज़र में पसंद आने वाले हैं। तो चलिए भाई आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सिंपली शिल्पी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।